दोस्तों, जब भी आप बाहर का खाना खाते हैं तो सोचते हैं कितना टेस्टी है, लेकिन आपको पता नहीं यही टेस्ट के चक्कर में आपके सेहत के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है। दूध से लेकर फ्रूट तक सभी चीजों में मिलावट देखने मिलती है, यहाँ तक कि जो दवाइयाँ हम लेते हैं वो भी नकली बनाई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको सच्चाई दिखाने वाले है कि जो प्रोडक्ट और जो खाने की चीजें हम खा रहे है उनमें कैसे केमिकल की मिलावट की जाती है और कैसे हमें उल्लू बनाया जाता है। ये वीडियो देखने के बाद आपके होश जरूर उड़ने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप जब भी अपने दोस्तों के साथ चाइनीज खाने जाते हो तब आप उसे बड़े चाव से खाते हो, लेकिन अभी हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद आप बाहर का खाना खाने से पहले 10 बार सोचेंगे। मगर क्यों? आप सोच रहे होंगे हमेशा क्यों कह रहे है, तो जरा यहाँ देखिए। तो देखा, एक शख्स ने छत के ऊपर से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था जिसमें आप देख सकते हैं एक लेडीज अपने पैरों से इन गार्लिक यानी लहसुन को दबाकर उनके ऊपर के छिलकों को निकाल रही है, लेकिन ये काम हाथों से भी किया जा सकता है और फिर यही गार्लिक वो लोग बाद में होटल्स को देते हैं। पनीर में मिलावट तो हमने देखी है, पर अब देखिए पनीर का वजन बढ़ाने के लिए स्कैमर क्या करते हैं। यह इस आदमी को खरीदे हुए पनीर पर डाउट हुआ, इसलिए उसने पनीर को कट करके देखा तो पनीर के अंदर से एक बड़ा सा पत्थर निकला। वजन बढ़ाने के लिए दुकानदार ने इसमें पत्थर डाल दिया था, पूरे पनीर में आधा वजन तो पत्थर का ही हो गया। तो आप भी पनीर लेते समय पनीर कट करके लेना, वरना घर जाकर ऐसी लॉटरी आपको भी लग सकती है। दोस्तों, अगर आपको कोई पूछे कि आपने डीजल में बना खाना खाया है, आप कहेंगे ये क्या बात हुई, लेकिन ये अंकल इस खाने को डीजल में बना बता रहे हैं। ये कौन सा परोठा लगा रहे हो? ये सर डीजल परोठा लगा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? कौन सा परोठा? डीजल। दरअसल तेल में तला हुआ खाना टेस्ट में अच्छा लगता है, पर उस खाने को जिस तेल में तला जा रहा है वो भी एक बार देख लीजिए। ये पापड़ जिस तेल में तला जा रहा है उसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये खाने का तेल नहीं बल्कि कोई इंजन ऑयल है। ये ऑयल इतना काला कैसे हुआ, तो हम आपको बता दें कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स अक्सर पैसे बचाने के लिए उसी तेल को बार बार गर्म करते हैं, जिस वजह से तेल जलकर काला होने लगता है, जिससे हेल्थ के साथ साथ हार्ट पर भी इश्यूज हो सकते है। तो आप भी कहीं खाना खाने जा रहे है तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। दुकान में रखे इस केक को देख के किसी को भी खाने का मन तो जरूर होगा, पर इसे बनाने का तरीका अगर उसने देख लिया तो शायद ही उसका मन होगा। या इस बेकरी में केक बनाया जा रहा है जिसके लिए बैटर तैयार किया जा रहा था, पर जरा आगे तो देखिए। ये हरकत कोई इंसान अगर अपने सामने होते देखेगा तो वो इंसान बिल्कुल इस केक को नहीं खाएगा। ये भाई साहब अपना कंधे तक हाथ इस बैटर में डालकर मिक्सिंग कर रहे थे और हाथ का बैटर निकालकर फिर से उसी में डाल रहा है। ये करने के लिए इसने बिल्कुल भी हाइजीन नहीं रखा, ना ही कोई ग्लव्स पहना, बस पूरा हाथ अंदर डाल दिया। अब आगे से आप कोई केक खा रहे हो और वो कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगे तो एक बार जरूर देख लेना। नुक्कड़ का खाना खाने में काफी टेस्टी होता है, पर परोसे जाने वाला खाना कैसे बनाया और कहाँ रखा जा रहा है ये सभी को एक बार देख लेना चाहिए। इंडोनेशिया के एक ब्लॉगर का ये वीडियो वायरल हुआ जब वो इंडिया में स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहा था। बाल्टी में रखा ये आपको फूड वेस्ट लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, दरअसल ये आचार है जो खाने के साथ दिया जाता है। लेकिन उसे बिना धोए हुए बाल्टी में रखा गया था और ये देख किसी का खाने का मन बहुत कम होगा। ये अंदर क्या है? ये मसाला मिक्स है, ये मिर्च, गाजर, मूली, अदरक, वो अदरक सिंघाड़ा वगैरह सबका चार सब ये बहुत है। ऐसा खाना हेल्थ के लिए हानिकारक बनाया जा रहा है, तो दुकानदार को भी अपने यहाँ साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रीट फूड में इतना स्वाद कहाँ से आता है, इसका खुलासा आज हम करेंगे। जरा यहाँ तो नजर मारिए दोस्तों।
लगता है भैया का मसाला खत्म हो गया है जो सीधा गोडाउन से माल निकाल रहा है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ऐसे कई वीडियोस आपको इंटरनेट पे दिखेंगे पर इनकी ऐसी हरकतें बंद नहीं होती। तो दोस्तों आगे से आप भी ध्यान रखना कि जिस जगह पर आप खा रहे हैं वो जगह कैसी है, और बनाने वाले को तो बिल्कुल ध्यान देना कहीं उसने हाइजीन मेंटेन किया है या नहीं, या फिर कोई भी चीज खाने से पहले इस वीडियो को जरूर याद करना, तब उस वक्त आपकी वो खाना खाने की इच्छा चली जाएगी। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे ये लड़का जमीन पर रोटियों को बेल रहा है और अपने पैर रोटी पर रख रहा है, लेकिन ये तो कुछ नहीं। आगे देखिए, ये भाई तो इन सारी रोटियों को अपने पैरों से बेल रहा है क्योंकि ये मैदी की रोटी है जो काफी ज्यादा मोटी होती है, जिसे बेलने में काफी मेहनत और ताकत लगती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये लोग रोटी को इस तरह बनाने लगे। इसलिए घर पर बनी रोटियों को ही खाना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आप जो कोका कोला पीते हैं क्या वो सच में कोका कोला ब्रांड के होते हैं? हमेशा क्यों पूछ रहे हैं? आपको देखना चाहिए। तो देखा आपने, इन लोगों ने तो नकली कोका कोला बनाने वाली फैक्ट्री ही खोल दी जहाँ पर कोका कोला की बोतल से लेकर स्टिकर्स सभी असली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बस अंदर के ड्रिंक को छोड़कर। और यही कोका कोला ये लोग सस्ते दामों में मार्केट में बेचते हैं, जिसे पीने के बाद लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। ट्रेन में ट्रेवल करते टाइम आपने ट्रेन में पेंट्री का खाना तो खाया ही होगा, पर अभी हम आपको उनके किचन का एक नज़ारा दिखाते हैं। ये आदमी यहाँ पर तंबाकू खा रहा है और अब वो उसी हाथ से खाना बनाएगा और पैक करेगा। शायद भाई खाना बनाने से पहले एनर्जी ले रहा है। हमारे सामने तो अच्छे से पैक किया हुआ और साफ प्लेट में खाना आता है, पर इसे किचन में ऐसे लापरवाही से बनाया जाता है ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो तो वायरल हो गया, अब देखते हैं रेलवे डिपार्टमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है। तो अगली बार ट्रेन में खाना खाते समय ध्यान रखना होगा आपको। चलो ये तो हो गई खाने की बात, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो दवाइयां हम लेते हैं क्या वो लेजिट है, क्या वो बिल्कुल ओरिजिनल है? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप यहाँ देखिए। तेलंगाना में जब एक मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया था, वहाँ 33 लाख के फेक मेडिसिन बरामद हुए और इस मेडिसिन में चौक पाउडर पाई गई। ऐसी मेडिसिन खा के लोग ठीक होने के बजाय और भी बीमार पड़ सकते हैं। तो दवाइयाँ लेते समय ध्यान रखना और चेक करके ही खरीदना। क्या लगता है आपको, हम जो फल खाते हैं क्या वो पूरी तरह से नेचुरली बनाए जाते हैं? एक वीडियो सामने आई है जिसमें अंगूर को इस सफेद दूध जैसे केमिकल में डुबाया जा रहा है। अब ये करना अंगूर की खेती का पार्ट है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये आदमी इस केमिकल में खड़ा होकर अंगूर से भरी ट्रे को इस केमिकल में थोड़ी देर डुबा के रखता है और फिर बाहर निकालता है। अब आप भी सोचिए, आजकल तो फल खाने के बारे में भी यार सोचना पड़ता है, तो आप भी ध्यान रखना कोई भी फल खरीदते वक्त। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सिखाया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।